हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलविंदर सिंह। नमस्कार, मैं उदय सिंह मीना। आज हम आपको आलू और प्याज के पकौड़े बनाने सिखाएंगे। होप यू विल एंजॉय दिस। आइए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या सामान चाहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम प्याज, आलू, धनिया और हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और दोस्तों, अब हम एक खाली बर्तन लेंगे, उसमें 2 कप बेसन के डालेंगे, 1 अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। अब हम इसमें 2 चम्मच नमक, आधा चम्मच रेड चिली, 1 चम्मच हरा धनिया और गरम मसाला डालेंगे। अब इसको मिक्स करना है। अब हम इसको पानी के साथ मिक्स करेंगे। इस तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा गाढ़ा रहे और पतला ना हो। मिक्स करने के बाद लगभग अब ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हम आलू, प्याज, धनिया डालेंगे। अब इसको मिक्स करना है। अब 10 मिनट के लिए इसे रखेंगे। 10 मिनट हो गए। अब हम देखेंगे कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब गैस पे कढ़ाई रखेंगे और तेल गरम करेंगे और इसे चला देंगे और तेल को गरम होने देंगे। और तो तेल गरम हो गया है और इसमें डालेंगे अब इस पकौड़े को हम कम आंच कर देंगे और कम आंच पे पकने देंगे क्योंकि जो आलू है वो सही ढंग से पक सके। फ्रेंड्स। देखो, अभी पकौड़े रेडी हो गए हैं। अब हम इसको धीरे धीरे प्लेट में उतार लेंगे। अभी देखिए दोस्तों, पकौड़े रेडी हो गए हैं, आप खा सकते हो इसको।